विधानसभा के नेतृत्व रे, 5 साल लोकसभा के नेतृत्व और इस बार भी 5 साल पूरा बताओ, यानी 25 साल के नेतृत्व मान के चल रहे यार। आलोचना तो सुन रहा तो बिजली कटाई कोई फायदा ना हो। आज हम बोला यो 5 साल बाद कोई और बोलतो, 5 साल बाद कोई और बोलतो, बोलतो तो जरूर सुने तो है। तो आज एकर में अभी बहुत सारा लीडर के लिस्ट है, बहुत सारा लीडर के, यानी आज जो झारखंड के सरकार बोलो हो, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बतिया बोलो हो कि खजाना खाली हो, दिस देख ऐसे हो ऐसे हो, कुछ ना हो, यदि झारखंड में खजाना ना हो, यदि झारखंड में पैसा ना हो, यदि झारखंड में आना हो तो पूरे भारत में कहीं ना हो। झारखंड यानी झाड़ यानी जंगल यानी सारंडा, जंगल यानी पारसनाथ, जंगल यानी झुमरा, जंगल यानी लुगु बाबा, और खंड यानी जमीन। झारखंड का जमीन माने जमीन के भीतर में और जमीन के ऊपर भी खनिज संपदा अनाज। झारखंड यानी जमीन के ऊपर में धान, गेहूं, मड़वा, बाजरा, साग, सब्जी, और जमीन के हेठे यानी कोयला। यानी झारखंड में अगर ना हो तो कहीं ना हो। इसलिए अगर जे भी बोलो हो झूठ बोलो, अखनी छुपाए के केवल और केवल अपन तिजोरी भरे के काम कर लो। अभी 11 को मंत्री के आवास मिलने हला है, कहने के मालूम हो कितना में? 67 करोड़। 11 के भाग दे दी ऊपर में 67 और हेठे 11 6 66, यानी एक मंत्री का आवास बना था 6 करोड़ में। इंदिरा आवास चाहे प्रधानमंत्री आवास कितना में मिलो है? 1,25,000 में। 6 करोड़ भागा 1,25,000, रिजल्ट 480। यानी एक मंत्री अगर अपन इस मौज के छोड़ दे है तो 480 को गरीब परिवार के नया मकान मिल जाए। ये हमारे झारखंड लोग मंत्री 11 गुना 480 यानी 500 से करे है, 11 5 55 यानी 5,500। विधायक बच गए 70, एक विधायक के आवास के लागत 2 करोड़, तो 70 × 2 = 140 करोड़, फिर ओकरा भाग कर यानी इस रिजल्ट के डबल, यानी लगभग 16-17 हजार गरीब परिवार के आवास मिले। तो जिस दिन हमने विधायक मंत्री अपन आवास छोड़ दो, यानी झारखंड राज्य गरीब ना हो, इस राज्य के केवल गरीब बनवल जा रहा है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो भारतीय संविधान अनुसूची सात में विवरण है, केंद्र सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में सेक्शन 38 से लेके 42, इसी बीच में कहीं इस बात का पुख्ता प्रमाण और जिक्र है कि राज्य में जो विधानमंडल होगा, विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, और ओकर जे विधायक रहता, ओकर पेंशन, ओकर भत्ता, ओकर मंथली अगर कोई देतो तो राज्य सरकार के तरफ से मिलता। तो यदि हमने राज्य सरकार में आए तो शेड्यूल 7 को आधार बनाते हुए, राज्य सूची को आधार बनाते हुए इनका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। पेंशन बंद हो जाए कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक से पहले 2019 के जो रामगढ़ के चुनाव हलो, क्या जीतले हलो? ममता देवी। हारल के हलो? सुनीता चौधरी।
ना चौधरी जी खुद लड़ लो ना, जो सांसद हलो कैसे लड़ते सुनीता चौधरी। यानी उस समय जो जीत लो ओकरा मिला लगलो सैलरी, जो जीत गेलो ओकरा की मिला लगलो सैलरी, और जो हार गेलो ओकरा की मिला लगलो पेंशन। यानी जो वर्तमान में भी रामगढ़ के विधायक हो जब हारल भी हलो ना तब पेंशन दे, जीत गेलो सैलरी 24 आ गेलो, अब यदि हार जीतो तो फिर पेंशन। बताओ व्यवस्था रुकना चाहिए कि नहीं? यानी इस देश का पैसा मुट्ठी भर वीआईपी के नाम पे खर्च किया जा रहा है, इसलिए हमने इस बात के विश्वास दिला दियो कि इस राज्य में पैसा के कोई कमी ना हो, बस इस राज्य के नेता के इच्छा शक्ति होना चाहिए, इस राज्य के नेता में नियत स्पष्ट होना चाहिए, इस राज्य के तमाम नेताओं में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इस राज्य को बदलना कैसे, इस राज्य को सजाना कैसे है, इस राज्य को सुंदर बनाना कैसे है, इस बात का उनमें संकल्प होना चाहिए। लेकिन इनको क्या, और एक बात आप आराम से लिख दो, आज माननीय चंद्रप्रकाश चौधरी 3 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 1 बार मंत्री, और फिर भी ओकरा चिंता है अपन परिवार के, फिर भी ओकरा चिंता है अपन परिवार के। लेकिन जनता अपन बच्चा के अपन परिवार के चिंता कब करवा, अगर है कि नहीं है ना? रांची भी चल जाओ, रांची के पूर्व सांसद अपन बेटी के टिकट दिया दे, ओकरा भी चिंता है अपन परिवार के। धनबाद चल जाओ, धनबाद के सांसद अब अपन पत्नी अपन भाई खातिर टिकट मांग रहा है, वो 15 साल विधायक सांसद रहल बाद भी अखनी के चिंता है अपन पत्नी के, अपन भाई के, अपन बच्चा के। तो हम भी अगर चिंता ना करवे तो दुर्भाग्य हो ना। आप अपने बच्चों का चिंता क्यों नहीं कर रहे भाई? मंत्री महोदय को, सांसद महोदय को चिंता है कि नहीं पत्नी को नहीं तो कम से कम बेटे को टिकट दिला दे, इन्हीं को नहीं, जितने भी नेता सांसद बने हैं अब उनका टारगेट है अपना फैमिली से विधायक बनाए। यार वो सांसद है, 3 लाख की सैलरी है, सुख सुविधा है, रेलवे का भत्ता है, मोबाइल फोन का भत्ता है, किचन का भत्ता है, फर्नीचर का भत्ता है, दर्जनों भत्ता है, फिर भी उसको चिंता है अपनी पत्नी का, अपना भाई का, अपना बच्चा का, और जनता को जरा भी चिंता नहीं है। आपको क्यों चिंता नहीं है कि हम जिनको वोट करेंगे वो हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे चर्चा करे, हम जिनको वोट करें वो हमारे बूढ़ों की दवाई की चिंता करें, हम जिनको वोट करें वो हमारे घर के जवानों की कमाई की चिंता करें। अभी मोटा मोटी जे चचा सबके छाता मिल गए, जे चाची सबके साड़ी मिल गए और वोट कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने ये छाता में अपन ईमान ना रखे पार लिया और ओकरे वोट कर दे लिए तो ओकरा फैक्ट्री वाला 5 लाख 10 लाख देते, ईमान रखे पारते? यदि जनता को कोई नेता 500 रुपया देता है और वोट ले लेता है, यानी जनता अपना ईमान को 500 रुपये में नहीं रख पाए, तो उनको अगर कंपनी वाला 5 लाख देगा रखेगा? रखेगा भैया, रखेगा। आप 500 रुपये में ईमान नहीं रख पाए, जैसे ही पैसा दिया, ना 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 बेरा डुबले देले हले की बोलते बटवा तो अग्रे दिए थे। अरे भाई आप जब 500 में अपना ईमान नहीं रख पाए, उनको लाखों रुपया कंपनी फैक्ट्री देती है, वो अपना ईमान कैसे रखेंगे? हमको एक लाइन में उत्तर दीजिए। यही हम अपनी एक छोटी सी कहानी बता रहे और मांझी में रात 11:15 बजे 2 कॉरपोरेट हमारी गाड़ी में, मन गाड़ी उनकी थी, बैठे वो आगे की सीट में थे, हम पीछे की सीट में थे, विराट भी साथ में था। जैसे ही गाड़ी में बैठे हमारा रोकर बीच कोई बातचीत ना, जैसे ही गाड़ी में बैठ लिए वो इतना जबर एगो लिफाफा मतलब एगो बहुत बड़ा बंडल लग लगे हमारे हाथों में फेंक देने, इतना बड़ा था, पीला रंग का कवर था
इतना मोटा था, हमारे हाथ में फेंक दिया और बोला इलेक्शन आ रहा है, काम लगेगा। हम तुरंत फेंक दिए ओकर पत्र रिटर्न। कहले हम जनता का पैसा से लड़ने आए हैं भैया, रखिए। चूंकि वो पैसा कितना था हमको नहीं मालूम, चूंकि आज तक जिंदगी में उतना पैसा देखे नहीं और देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, चूंकि हम बचपन से पढ़ाई लिखाई बड़ी ईमानदारी से किए हैं, बैग टांगे हैं, किताब लेके चले हैं, वजन 2 kg से 2.5 kg था। यानी जो पैसा हमारे हाथ में रखा गया था उसका वजन 2 kg से 2.5 kg था। हमने 2.5 सेकंड का भी लेट नहीं किया और रिटर्न उनको वापस दे दिए और बोले आप जनता के साथ अच्छा कीजिए, हम आपके साथ अच्छा करेंगे। तब हमें समझ में आया कि हम अभी कुछ नहीं है। तब हमारा समझ में आए कि झारखंड लूटल कैसे जाए, कि हमें भाई कुछ नहीं है, हमार पार्टी से एगो विधायक नहीं बनल है और हमारा 2 kg 2.5 kg के नोट। तो सोच जे लोग विधायक बनले है, सांसद बनले है, ओकरा कैसे अटैची मिले थे। झारखंड की बर्बादी का कारण यही है, झारखंड की बर्बादी का कारण यही है। अब सवाल होता है कि वो लोग चंदा क्यों देते हैं। हम भी सोचे कि अगर चंदा काहे देता है ना, जैसे कोई फैक्ट्री को लगाना है प्रदूषण मापक यंत्र, उस यंत्र का दाम है मान के चलिए 50 लाख, उस कंपनी को लगाना है प्रदूषण कंट्रोल करने वाला इक्विपमेंट, उसका दाम है 50 लाख, वो विधायक को दे दिया 5 लाख, 45 लाख का मुनाफा। हमको अभी समझ में आ रहा है कि आखिर इस झारखंड को बर्बाद करने का रास्ता क्या है, ये झारखंड खोखला कहां से हो रहा है। यानी जिस दिन हमारे लीडर दमगर हो जाएंगे ना, ये झारखंड में किसी का नजर नहीं होगा कि गलत तरीके से उठा के देखेगा। और इस बात का विश्वास दिलाते हैं, यदि हम लोग सत्ता में आ गए, अगर हम लोग सत्ता में आ गए, भले हम लोग सरकार में मंत्री कहे ना बने, अगर वो ईमानदार है और अगर वो एक चपरासी भी है तो नमस्कार करेंगे। यदि हम लोग सत्ता में आए और यदि वो ईमानदार है तो हवलदारी कहे नहीं है, वो चपरासी कहे नहीं है, उनको नमस्कार होगा। लेकिन यदि वो बेईमान और भ्रष्टाचारी होगा तो झुमरा के पहाड़ के सबसे ऊपर के गाछ में चढ़ा कर छोड़ देंगे। जैसे वो नीचे आएगा एक गिलास पानी पिलाएंगे और पानी पीने के बाद पूछेंगे सर कैसा लग रहा है, और उसके बाद बोलेंगे कि अरे चोरा मुहजारा, तुमको आज जैसा लग रहा है ना, हमको भी वैसा ही लगता था जब इसको साइन करने के लिए 4 दिन तुम घुमा दिया था। एकदम छोड़ने वाले नहीं है, ईमानदारी से बोल रहे हैं एकदम नहीं छोड़ेंगे। जो करप्टेड लोग होंगे झुमरा में चढ़ा चढ़ा के, गाछ पर चढ़ा चढ़ा के इनका हिसाब करेंगे, इस बात की गारंटी है। आज अगर यहाँ के नेता चाहे तो एक दिन में सारा कंपनी ठिकाने में आ जाएगा, एक दिन में सारा माफिया पेंट में एक नंबर कर लेगा, लेकिन ये नेता चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है, इनको हिस्सा चाहिए वहां। पता नहीं इनका ये पेट है कि दामोदर का नदी है भरता है ना, ये चाहते नहीं है। हम आपको एक अपनी सच्ची घटना बता रहे हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं ना अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। घटना है गिरिडीह लोकसभा के एक ब्लॉक की। एक दिन शाम को उस ब्लॉक में दो अधिकारी चर्चा कर रहे थे कि सर लग तो रहा है कि जरा महतो जीत जाएगा, बहुत हवा है लड़का का, बहुत भीड़ होता है उसका कार्यक्रम में, चारों तरफ उसी का नाम है सर, हर जुबान में जरा महत्व है, लेकिन बताइए तो क्या उखाड़ लेगा जीत के। ये ऑफिसर का भर्सन था, वो ऑफिसर क्या बोल रहा है कि अगर जरा महत्व जीत भी गया तो दिल्ली जाके क्या उखाड़ लेगा, अरे उसको भाषण देने का भी मौका नहीं मिलेगा, वो निर्दलीय है, उसको मौका भी नहीं मिलेगा। तब दूसरा ऑफिसर बोला कि नहीं सर आप बात तो सही बोल रहे हैं, हमको भी यही लग रहा है कि दिल्ली जाके क्या उखाड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन सर इतना विश्वास है कि जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है, जहां से गिरिडीह लोकसभा का सीमा स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है, सर वहां अगर कोई गलत करेगा तो पटक पटक के मार देगा वो। सर उसका भाषण सुने है कि नहीं सर? सर स्कॉर्पियो जब खड़ा होता है ना सर, तो जब इसलिए
हेलो ए मौसा कह गो, जब सर वो स्कॉर्पियो में खड़ा होता है ना सर, उसका आंख देखे हैं सर, आंख लाल दिखता है। यानी हमको पूरा विश्वास है दिल्ली में क्या उखड़ेगा नहीं मालूम सर, लेकिन जो प्रखंड में जो घुसखोरी चल रहा है ना सर, कसम से बोल रहे हैं एक को उठा के पटकेगा रोड में वो। और उसका लड़का लोग को देखे कि नहीं सर, अपने बया खेपा लड़का है सर उसका टीम में। जान देने से नहीं डरता है सर, तो जो जान देने से नहीं डरता है वो लेने से भी नहीं डरेगा। ये दो अधिकारी ब्लॉक के बाहर एक दुकान था चाय का, वहां बैठ के चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो दिल्ली में कुछ नहीं उखाड़ पाएगा हमको अभी लगता है, लेकिन यहाँ उखाड़ उखाड़ के फेंक देगा। तो इस बात की आपको गारंटी देते हैं, जिस दिन हम लोग राजधानी में अपना स्थान बनाएंगे, उस दिन जो भी करप्टेड लोग होंगे उनको सीधा झुमरा के पहाड़ में ले जाके उल्टा नहीं करवाएंगे, उल्टा उल्टा कैसे घोलटाएंगे उनको, सीधा उंगली से झारखंड में घी नहीं निकलेगा। अब बहुत कोई बोलेगा।